नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट मंडल में। दोस्तों गुजरात एल्कलीस ने अपने Q1 के नतीजे उसे डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले कि आने वाले दिनों में क्या टारगेट प्राइस हो सकता है। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों आज के दिन में हम देख सकते हैं कि इसमें 0.25% का जो है एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, और अगर लास्ट 5 दिन की बात करें तो इसने 7% के रिटर्न दिए, लास्ट 1 महीने के अंदर इसने 16% के रिटर्न दिए, और जो लास्ट अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो दोस्तों 6 महीने के अंदर जो है इसने अराउंड 7% के रिटर्न दिए हुए। तो एक जो है दोस्तों अगर अप्रैल के बाद की बात करूं तो यहाँ पे जो है एक लगातार जो है एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला था 20 जून तक। 20 जून के बाद एक अच्छा खासा एक हमें जो है इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। तो दोस्तों एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें 55% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो लास्ट ही ये 732 करोड़ था, अभी ये इंक्रीज होकर 1134 करोड़ हो गया। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे -1% का हमें यहाँ पे स्मॉल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाया, 63 करोड़ से इंक्रीज हो गई ये 191 करोड़ हो गया। तो 203% का जो है इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है -14% का हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं दोस्तों लास्ट ये 8.5% के आसपास था, अभी इंक्रीज होकर अराउंड 17% के आसपास हो गया। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन है वो पिछले क्वार्टर से कम है, इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। EPS की बात करें दोस्तों 8.6 से इंक्रीज हो गया, ये 25.99 तक हो गया। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिखाए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों इनके जो रिजल्ट है काफी यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर अगर हम क्वार्टरली जो रिजल्ट्स होते हैं हमेशा हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनके रिजल्ट्स हैं काफी हमें यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहे हैं। अभी कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स के पास है। तो 46.28% का होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, यहाँ पे कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। FIS अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो 1.82 से इंक्रीज करके 2.5 के आसपास जो है इन्होंने अपना होल्डिंग इंक्रीज कर दिया। वहीं DIS का जो होल्डिंग है वहीं पर ही मेंटेन है 1.6% के आसपास, और पब्लिक का जो होल्डिंग है 50% के आसपास का है। इनका जो दोस्तों अगर मैं ROC देखोगे तो ROC 13.5% के आसपास है, वहीं ROE जो है 9.96%, जो एक एवरेज ROE हम लोग बोल सकते हैं। सेकंडली दोस्तों अगर आप कोई भी शेयर देखो तो कोई भी शेयर जो है गिरवी नहीं है, यहाँ पे प्लेज परसेंट है 0% है, तो एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। वहीं अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 0.10 का है। तो अगर आप इनका कर्जा देखोगे तो एज कम्पेयर टू इनका कैपिटल जो है काफी जबरदस्त है, लेकिन कर्जा बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कैपिटल। तो हम इनको बोल सकते हैं कि एक डेट फ्री कंपनी है ये, और ये इसी चीज की वजह से दोस्तों इनका जो है रेगुलर अपना जो है ये इनकम इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ पे जो है 28 अप्रैल के बाद यहाँ पे एक लगातार हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था। आप देख रहे हो कि लोअर हाई और लोअर लो लग रहे हैं, और ये जो है 20 जून तक जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखने को हमें मिला था। लेकिन 20 जून के बाद एक अच्छा खासा एक हमें यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिला हुआ है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक जो है 820 रुपए के आसपास जो है एक सपोर्ट ले रहा है। अगर उस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पे जो है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों वो अराउंड 930 रुपए का होगा। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा दोस्तों वो 930 रुपए का होगा, अगर उसको क्रॉस कर देता है तो 976 तक के लेवल्स जो है हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इनके ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट्स है वो काफी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका ही नतीजा है कि आज जो है जो इसका स्टॉक प्राइस है उसमें हमें अराउंड 1.7% के आसपास जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों ये जो है ये नतीजे मैंने आपको जो है एनालिसिस करके बताया है, और आप जो है उस हिसाब से डिसाइड करना कि आपको इसके अंदर पोजीशन बनाए रखनी है या नहीं बनाए रखनी है। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो पोजीशन बनाए रख सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर जो है होल्डिंग है, क्योंकि जो कंपनी है कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी सही यहाँ पे दिख रहे हैं, और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप इसके अंदर होल्डिंग जो है अपनी उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।